तो हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं लापता के सारे टीज़र्स जितने भी अभी तक आ चुके हैं, आई थिंक 5 आ चुके हैं। मैं मुझे आयजा खान देखने को मिल रही हैं एंड कौन कौन है, क्या क्या है, किस तरह का ड्रामा होगा, हम टीज़र्स देखेंगे पहले, बाकी बात हम करेंगे बाद में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप बहुत अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है वो मेरा पैन हो जाता है। आप मेरे पैन चाहते हैं, मैं हीरोइन का रोल करूं। हार आ गई थी तुम, इतना टाइम लगा दिया तुमने। सब नहीं हो रहा था। वो मेरी बहन ना लड़के के साथ भाग गई है। ड्रामा सीरियल लापता जल्द आ रहा है। प्रियाल की तो शादी हो रही है, हमारा नंबर कब आएगा? इतनी क्यों जल्दी है? इतनी देर ना हो जाए कि दुनिया का सारा उपटन खत्म हो जाए। अगर दुनिया का सारा उपटन खत्म हो जाएगा तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? शादी तो करूंगा और तुमसे ही करूंगा। सच में? लग गया टाइम। ड्रामा सीरियल लापता। ओके, तो ये अली रहमान थे एंड दूसरी शायद जो लेडी या लड़की हैं वो है थिंक सारा खान है एंड अली रहमान खान की मैंने मूवी देखी हुई है। इसको देखकर, इस एक टीज़र को देखकर आई डोंट नो कि क्या इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि शादी तुम्हारी हो रही है, मतलब लड़की से लड़का बोल रहा है कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन मैं लास्ट में बोलता है कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा चाहे उपटन दुनिया का सारा ख़त्म हो जाए। वीडियो पर नज़र डालते हैं सेकेंड टीज़र पर, शायद कुछ जानने को मिले। ओके, आयजा खान की एंट्री अब हुई है सेकेंड वाले में। नाश्ता तो करना पहले। मैट्रिक ही कर ले कम से कम। हाँ, मैट्रिक ही कर ले। अम्मा, मेरी उम्र में लड़कियां शादी करती हैं, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, पर मैं तेरी शादी भी नहीं करूंगी। शादी के लिए उतावले हो रखे हैं भाई। ड्रामा सीरियल लापता। अच्छा, आयजा खान का जो कैरेक्टर नज़र आ रहा है वो थोड़ा चुलबुला सा है, पढ़ाई में कोई दिल दिमाग नहीं, मैट्रिक पास कर ले उनकी माँ बोल रही है, इंटरेस्ट है शादी में, शादी के लिए लड़का ढूंढें, शादी कर पाएँ, या फिर कुछ इस तरह से उनका इंटरेस्ट दिखाया गया है इसमें। चलिए थर्ड टीज़र देखते हैं कि क्या है उसमें। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अभी से, पता है कल उन्होंने मेरे लिए शबे विसाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम है जलने वालों का। मुबारक हो, इनकार हो गया, अब तुम सिर्फ मेरे हो शम्स, गीती शम्स। ड्रामा सीरियल लापता जल्द आ रहा है। एक और कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि वो लड़की आयजा खान की कौन है दूसरी वाली, एंड उन दोनों में मतलब कुछ नोक झोंक चल रही है शादी को लेकर। अली रहमान जो हैं वो शायद हाँ कर देते हैं आयजा से शादी के लिए कि अब तो वो मेरा है, जो भी नाम है उनका इस सीरियल में, आयजा बोलती हैं ऐसा। तो उसके अलावा देखा जाए तो उधर जो असली इश्क मोहब्बत है उसमें नोक झोंक चलती होती है, लेकिन अपने दूसरे को सज़ा देने के लिए कि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूँगा, कुछ वो लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग जगह पर शायद शादी कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या इसकी स्टोरी आने वाली है आगे, मगर इंटरेस्टिंग ज़रूर है, ये देखने लायक लग रहा है। चलिए फोर्थ टीज़र की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिखाया गया है। जब चांद इतना उदास हो तो रात अफसरदा हो जाती है। आज शेर व शायरी की महफिल सजी रहेगी या हुजूर नसर में भी कुछ फरमाएंगे? आपसे मोहब्बत का इजहार नसर में नहीं किया जा सकता। तुमसे आज के तो बातें क्या करनी, तुम्हें लगा शादी करूंगा, तुमने बच्चों तक का सोच लिया, और वैसे भी मेरे पीछे तो चाहने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैं किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। ड्रामा सीरियल लंबी लंबी लापता पहुंचने नहीं दूंगा जल्द आ रहा है। कुछ लड़की की अक्कड़ दिखाई दी, थोड़ी सी नक्शेबाजी इसमें दिखाई दी कि तुमसे कुछ बातें कर ली हमने तो तुम तो बच्चों तक पहुंच गए, शादी बच्चे कुछ इस तरह से। तो दिल टूटने की आवाज़ें मुझे यहाँ से सुनाई दे रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है लड़के का, और उसके अलावा लड़का भी मतलब, या फिर कुछ नोक झोंक
हो या फिर एक मीठी सी मीठी तरीके से ये बातें की गई हैं, तो ये जो नोकझोंक होती है प्यार भरी उस टाइप का हो सकता है। अगर ये सीरियसली बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ इसमें तगड़ा वाला दिल टूटने वाला है आई थिंक लड़के का, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लड़का बोलता है लंबी लाइनें कितनी भी हों पहुँचने किसी को नहीं दूँगा, मैं पहुँचूँगा। तो चलिए फिफ्थ टीज़र देखते हैं इसमें उसमें क्या दिखाया गया है। अबू के कहने पर ना से मेरे कहने पर तुम एक नौकरी कर दो। बहुत अच्छा खेलते हो और किस्मत के भी धनी है। बड़ी बाजी खेलोगे कितनी बड़ी। नैनों के दौरे याद ते ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम मेरे कसम बताओ पैसे कहाँ से आए हैं? ड्रामा सीरियल लापता जल्द आ रहा है। तो ये थे पांचों टीजर्स, इसके सारे टीजर्स जो अब तक आए हैं, एंड हर टीजर जो है अलग कहानी कह रहा है। किसी में आयजा का कैरेक्टर दिखाया, किसी में अली रहमान एंड जो दूसरी एक्ट्रेस हैं सारा नाम है वो, उनका कैरेक्टर दिखाया, उनकी कहानी दिखाई। इसलिए चौथे टीज़र में हमें एक और कहानी देखने को मिली कि वो बिछड़ने की कगार पर आ गया है उनका रिश्ता, और अली रहमान का रिश्ता होने वाला है। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो बिछड़ने वाले हैं, जो असलियत में जिनकी कहानी मतलब एक मोहब्बत की चल रही है, लेकिन आयजा एक बड़ा नाम है तो उनका कैरेक्टर बड़ा होगा इसमें आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो वो देखने को मिलेगा इसमें, एक बड़े कैरेक्टर एक बड़ा रोल लेकर अपने आप को पेश करते हुए इसमें आई थिंक नज़र आएंगी। सभी कैरेक्टर्स बड़े ही हैं वैसे तो, लेकिन आयजा का नाम बड़ा है तो कुछ ना कुछ कहानी इसमें उनकी ज़रूर होगी, या तो वो लड़का लड़की को मिलवा देंगी या फिर खुद शादी करके अब विलेन बन जाएगी या कुछ और कहानी होगी। फिफ्थ टीज़र में हमें एक और मोड़ देखने को मिला इसमें, लड़के को जॉब वॉब के लिए लोग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं कि जॉब ही कर लो तब तक, लेकिन वो ताश की गड्डियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि ज्वारियों की तरह हमें देखने को मिला। इस लड़के को कुछ जुआ हुआ, वहां से पैसे लाता है, लड़की उसकी कसम देकर कि बताओ ये पैसे आखिर आए कहां से, तो वो क्या बताए। हमें तो क्लियरली इसमें दिख रहा है कि वो जुआ खेल कर पैसे लेकर आया है, तो छोटी मोटी बाजियाँ खेल कर वो पैसा तो ले आया है, आई डोंट नो बड़ी भी खेली होगी, लेकिन शायद वो ज़िंदगी की बड़ी बाजी जुआ खेल कर गवा ना दे कहीं, जैसे कि वो लड़की या फिर अपना प्यार या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर कुछ रिश्ते ऐसे तोड़ ना दे गलत रास्ते पर जाकर, या फिर उन्हीं के लिए कुछ इस तरह से जाने का फैसला लिया होगा उसने। तो बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें निकल कर आती हैं दिल दिमाग से कि आखिर इसमें क्या स्टोरी होगी, वो देख कर पता चलेगा। कॉमेंट कर बताइए आपको क्या लगता है किस टाइप की स्टोरीज होने वाली हैं इसमें। अलग अलग कहानियाँ मुझे देखने को मिली इसमें, बहुत सारी कहानियाँ हैं, हर किसी की अपनी कहानियाँ हैं, कुछ दिल टूटने की झलक, कुछ प्यार इश्क मोहब्बत, कुछ शायरी, कुछ शायराना अंदाज, कुछ चुलबुले अंदाज हमें देखने को मिले इसमें, कैरेक्टर्स देखने को मिले। कॉमेंट कर बताइए आपको क्या लगता है किस तरह का होगा ये ड्रामा, देखने लायक होगा या नहीं, ये भी कमेंट करके बताएं। कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।